नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आज सुबह से एक अलग ही ड्रामा चल रहा है देश में। जी हाँ, बहुत सारे लोग जल्दी उठे होंगे। मैं तो नहीं उठी। मैं सुबह उठ के अपने काम करके फिर मैंने आराम किया। टीवी में किसी भी हालत में नहीं खोलती जल्दी। अगर खोलती हूँ तो टाटा स्काई है मेरे पास और मैं खोलती हूँ 833 के आसपास के वो सिंक और एक्स क्या है वो 9X या क्या सब गाने सुनती हूँ। वो भी कौन से? बॉलीवुड के। मुझे बॉलीवुड के गाने बड़े अच्छे लगते हैं। मुझे ये मतलब वैसे वाले गाने अच्छे लगते हैं जो बॉलीवुड के होते हैं, समझ रहे हैं ना आप? मतलब मुझे वो जो मज़ेदार वाले गाने होते हैं वही अच्छे लगते हैं। नहीं अच्छे लगते रोने धोने के गाने। कभी कभी रोने धोने के गाने ठीक रहते हैं, पर अधिकतर समय वो डिस्को वाले पहले, अब हिप हॉप वाले या बाकी सारे, ये अच्छे लगते हैं मुझे। आपको आज जब मैंने, मुझे तो पता ही था मैं देरी से सोती हूँ तो आराम से उठती हूँ क्योंकि आजकल सुबह कुछ करने को नहीं है, तो सुबह उठ के अपना काम करके फिर लेट जाती हूँ 1-1.5 घंटा। आज मैंने जो देखा, जैसे ही खोला अपना इंटरनेट का कनेक्शन ऑन किया तो दे धैड़ 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 करके मैसेज आ रहे थे। आपसे जानना चाहती हूँ कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा सा मैसेज दिया, आप सबको उसका अनुपालन करना है। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग। उन्होंने कहा कि 5 अप्रैल को यानी कि संडे के दिन सभी कोई रात के 9 बजे अपने घर की सारी लाइटों को बंद कर देनी है। बंद क्यों करनी है? बिजली बचा रहे क्या? जो भी कर रहे हैं। और फिर अपने घर के दरवाजों पर बालकनीज में आकर आपको दिए जलाने हैं। अब मैंने उसके लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कितने दिए जलाने हैं। अब दिए अगर घर में ना हो तो क्या करें भाई? हमारे पास तो वैसा वाला दिया होता है जो पूजा के लिए होती है, होता है दिया, घी का दिया जलता है या सरसों के तेल का, ये सारे डिटेल नहीं बताए हमारे प्रधानमंत्री जी ने। खैर, मगर जो बात उन्होंने खास कही जिसका आपको सबको ध्यान रखना है, और वो क्या है? उनकी बात का इसलिए मान रखना है क्योंकि वे हमारे देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो देश के प्रधानमंत्री का मान तो अवश्य करना है। वे कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है तो सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, बाकी आपकी मर्जी है। अब ऐसा है कि जब आप ये दिए जलाएं उसके बाद उन्होंने कहा 9 मिनट, 9 मिनट टोटका है कोई भाई? टोटका किसी ने बताया है क्या कि 9 बजे बजाओगे, 9 मिनट के लिए बजाओगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा? क्योंकि आजकल एस्ट्रोलॉजिकली बहुत सारी गड़बड़ चल रही है भाई। एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करना ये तो हमारी पर्सनल बिलीफ है, मैं भी मानती हूँ बहुत सारी चीज़ें, मगर हर चीज़ को मानूं ये ज़रूरी तो नहीं और हर चीज़ को करूं ये भी नहीं। और पता है आपको, ये जो है कि 9 बजे आपको 9 मिनट तक बजाना है और दिया जलाना और बाकी सारी लाइटें बुझानी है। ये कुछ मतलब कैसा लग रहा, तंत्र मंत्र टाइप का, पर कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा है सब ठीक हो जाएगा। अब जो है, अबे तू ले ले ना, तू ले ले, जा अपने प्रधानमंत्री से डिटेल्स ले ले बुड़बक। खैर, धरती पे ऐसा गिरेगा कि बस अब देखे कि क्या हुआ। लोगों को मजाक उड़ाने की आदत है। इस बार मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे प्रधान सेवक जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि अवश्य 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 सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, ये नहीं कि सोशल डिस्टेंसिंग ना करो। इसलिए आप सबको सोशल डिस्टेंसिंग बनाने को कहा गया है। और याद रखिए, एक दिया जलाइएगा या टॉर्च जला लीजिएगा, कैंडल, बाहर मत चले जाइएगा कैंडल खरीदने के लिए, भीड़ मत कर दीजिएगा। पता चला दुकानों पे पहुंच गए, भीड़ इकट्ठी कर दी कि दिया नहीं मिल रहा, दिया नहीं मिल रहा, हाय हाय, दिया दिया नहीं मिल रहा, कैंडल नहीं मिल रहा। उन्होंने ये भी कहा कि टॉर्च जला लेना, टॉर्च ना हो तो मोबाइल, मोबाइल तो है ना सबके पास, है मेरे पास भी है, तो मोबाइल की लाइट को जला लेना। और भाई ऐसा ना हो कि कैंडल मार्च ही निकालने चल पड़ो। कैंडल मार्च निकालने को नहीं कहा,
कैंडल जलाने को कहा अपने घर के दरवाजे पे आके, ताकि सारी दुनिया देख सके। बुड़बक मत बन जाना, ये नहीं कि मशाल ही लेके मशाल ही जला दिया कि हम तो मशाल जला रहे, आग लग जाती है। आग आग नहीं लगानी, उन्होंने कहा है कि ये इसलिए करना है ताकि पूरी दुनिया में हम क्या दिखा सके। मुझे समझ में नहीं आया क्या, आप बताइए ना किस लिए कहा उन्होंने। खैर, अब इसके अलावा आप लोग मुझे एक चीज बताइए, लोगों का सोशल मीडिया के टाइम पे मजाक उड़ाना काम होता है, और इस वक्त इस बात का भी बहुत मजाक उड़ाया गया, मैंने भी उड़ाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग सीरियस हो जाएं। सीरियस मतलब क्या, मतलब प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा 9 बजे आके 9 मिनट तक ये आपने कैंडल जलानी है, अपने घर की लाइटों को बुझानी है, तो हम पूरे देश की ऊर्जा को एकजुट करेंगे। याद है आपको, मैंने कल भी रात को ये बात कही थी कि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी सबको कहेंगे कि सबको एकजुट होके आगे आना है, सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना, ये बात उन्होंने कही भी। लेकिन अब क्योंकि मजाक उड़ाया जा रहा है, बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया कि अरे ये तो टोटका है, और इसमें ये है, इसमें लगता है कि कोई तंत्र मंत्र है, ऐसे मजाक है, ये मजाक है। अब मालूम है क्या हो गया है, अब जो लोग हैं, जो भक्तगण हैं, उन्होंने इसको भी सीरियसली ले लिया। उन्होंने कहा कि भाई इसमें क्या गलती है, अगर इतने बजे किया जा रहा है और अगर प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है तो ये मतलब, अब लोग ये भी भूल गए हैं। मैं आपको एक्साइटमेंट की लेवल की बात बता रही हूँ, ताकि हम वो कर सके जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है। ऐसा ना करें इस बार की प्रधानमंत्री जी की बात का अपमान कर दें आप। मजाक करना अलग बात है, मगर उस मजाक का सीरियसनेस जो है उसको खत्म कर देना, उसका मतलब कुछ और निकाल देना, और उसको ये क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये अच्छा, ये कोई पूजा पाठ हो रही है, ये कोई मुहूर्त निकाल के करा जा रहा है, ये मजाक करा जा रहा भाई भक्तों। और भक्त क्या कह रहे हैं कि नहीं, इस समय जो है आईटी सेल भी काम कर रहा होगा भाजपा का, लेकिन आप लोग एक चीज का ध्यान रखें, क्योंकि लोग अब क्या कहने लग गए कि ये समय का मजाक मत उड़ाइए, ये काल सर्प योग होता है, इससे बुरी शक्तियां ऐसी हो जाती। प्रधानमंत्री जी ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा साथियों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। अगर उन्होंने आह्वान किया है तो केवल इस बात को कहा है कि आप सभी कोई आकर दरवाजे पे अपनी एक कैंडल जलाएं या मोमबत्ती जलाएं। ये कहीं नहीं कहा प्रधानमंत्री जी ने कि ये कोई टोटका है, ये मजाक कर रहे थे लोग, और आपस में उलझते उलझते असली बात को फिर भूलते जा रहे हैं। और मैं आपसे इसलिए बात कर रही हूं ताकि आप लोग ये गलती ना करें जो गलती आप लोगों ने पिछली बार करी थी, जब उन्होंने तालियां थालियां बजाने को कहा तो सबने पटाखे भी बजाने शुरू कर दिए, लोग सड़कों पर भी चले गए। अभी देखिए कि किसी को मैंने मजाक के तौर पर यह बात कही थी कि भाई ऐसा है कि ये दिए जला के क्या ये भाग जाएगा, तो लोगों ने उसका मजाक का उल्टा कैसे निकाला कि नहीं, दिए जला के भागता ही है। अरे मतलब प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि दिए जलाने से कोरोना भाग जाएगा, का ही कहा था क्या? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, भक्तों से जानना चाहती हूँ, कहाँ कहाँ मेरे प्रधानमंत्री ने, मेरे प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा। और ठीक है, हम लोग लॉकडाउन के समय पे अपने घर में बैठे हुए हैं और खाली हैं, तो इसका मतलब ये नहीं बात का बोतंगड़ ही बना दो है, ऐसे बुड़बक बना। अरे मजाक को मजाक की तरह लो ना, इतना भी बुड़बक मत हो जाओ भाई। इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों को याद करा दूं कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने कहा क्या है। प्रधानमंत्री जी ने केवल और केवल ये कहा है कि आप अपने घरों की लाइटों को बंद करेंगे, आप अपनी बालकनी में जाएंगे या दरवाजे या गेट पे जाएंगे, और वहां जाकर आप कैंडल जलाएंगे या दिया जलाएंगे या टॉर्च जलाएंगे या अपने फोन की लाइट यानी कि फोन का ही टॉर्च जला लेंगे। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि ये कोई मुहूर्त है, इससे कोरोना की हत्या हो जाएगी, उसके कीटाणु खत्म हो जाएंगे। ये तो आप और मैं मजाक कर रहे हैं, इस चीज को आप कहां लेके जा रहे हैं। सीरियसनेस जो है उसकी समझिए बात की जो उन्होंने कहा है। उम्मीद कर रही हूं कि आप लोग अपने प्रधानमंत्री जी का मान करेंगे, जिस कुर्सी पे वे बैठे हैं वहां से बैठकर अगर वे कुछ करते हैं तो कुछ कहते हैं
तो उसका विश्लेषण करना अलग चीज है, उसकी सीरियसनेस को समझना ज्यादा जरूरी है और वो क्यों कह रहे हैं। खैर अगर इसमें सीरियसनेस ना भी हो तो ये आवश्यक है कि हम ये समझे कि प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि आप एक मोमबत्ती जलाइए, ये नहीं कह रहे कि मोमबत्ती लेके कैंडल मार्च पे चल लीजिए, ये नहीं कह रहे कि मोमबत्ती की जगह मशाल लेकर आप सड़कों पर उतर जाइए, ये नहीं कह रहे कि आग वो क्या बोलते क्या कहते हैं पटाखे चलाने शुरू कर दीजिए। हाँ ये बात हमने भी पूछी, मैंने भी कही कि ऐसा क्या है कि आप प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कैंडल जलाइए दिए जलाए, कोई जश्न थोड़े है, मजाक के तौर पे कहा जा रहा है, इसको सीरियसली नहीं लेते। भक्त गणों ने तो इसे दिल पे ही ले लिया है और कह रहे हैं नहीं इससे मंगल की जो शक्ति है वो दुगनी हो जाती है। एक महोदया का मैंने वीडियो देखा जो अपने आप को शायद कोई वो बताती है एस्ट्रोलॉजर, वो क्या कह रही है कि मंगल ग्रह, उन्होंने ये सोच के कहा है। अब देख लीजिए प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, आप लोग जबरदस्ती एक तो वैसे ही लोग मजाक उड़ा रहे हैं, और मजाक क्यों उड़ा रहे हैं क्योंकि खाली समय है भाई, कुछ करने को भी नहीं है तो ठीक है ना, लेकिन जो बात उन्होंने कही है उसका बतंगड़ तो मत बनाइए। प्रधानमंत्री जी ने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि आप लोग जो हैं ऐसा करने से कोरोना वायरस को मार देंगे, नहीं उन्होंने कहा सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, अपने घर में रहिए, ये कहा हमारे प्रधानमंत्री जी ने। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप एकजुटता दिखाने के लिए आप ये करिए, और एक तरीका बताया जिससे देश जो है वो एक साथ आ सके, शायद मुझे नहीं पता मुझे क्या पता वो कुछ ऐसा कहना चाह रहे हों, और हो सकता है कि ये भी है कि वो देश को, जैसे बच्चों को नहीं बताया जाता अगर कोई डिफिकल्टी होती है लाइफ में तो बच्चों को नहीं बताया जाता घर में, माँ बाप नहीं बताते ताकि वे परेशान ना हो, तो हो सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी हमें बहुत सारी बातें ना बोलना चाहते हो, नहीं चाहते कि हम परेशान हो जाए, परंतु अगर आप प्रधानमंत्री जी की बात को कुछ और बना देंगे। अब आपको मैं बताऊं कि कैसी कैसी बातें जो तो लोग लिख रहे हैं, किसी ने लिखा कि कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, कहना क्या चाह रहे हैं ये बताती हूं आपको मैं। देखो अब इससे धर्म का अपमान भी आ गया कि आप हमारे धर्म को वो नहीं समझते, मतलब कुछ भी किसी कोई भी किसी को कुछ भी बोल रहा है, किसी ने कुछ कह दिया किसी ने कुछ कह दिया। अब ये देखे ये जो है कितना बढ़िया है, सुनिए ये तो सही बात है ना कि सरसों के तेल और देसी घी के दिए जलाने से घर का वातावरण शुद्ध होता है, तो इसमें कोई कह रहा है कि झूठ होता है, हैं? सरसों के तेल का दिया बुझने के आधे घंटे बाद तक वो घी का दिया बुझने के चार घंटे बाद तक अपना असर दिखाता। और ये वो जो मैं बता रही थी एस्ट्रोलॉजर महोदया, वो मालूम है क्या कह रही टॉर्च मत जलाना, क्यों प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं टॉर्च भी जला सकते हैं, और वो क्या कह रही है क्या पता नहीं जो नाम है कह रही हैं कि टॉर्च मत जलाना, ये राहु का रूप होता है और इस समय हमें राहु को अलग करना है, काल सर्प योग का वो बन रहा है जो भी होता है, काल सर्प योग कहाँ प्रधानमंत्री जी ने। फिर कह रही कि क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं वो राहु का रूप होते हैं इसलिए इनको मत जलाना, आप दिया जलाना या कैंडल जलाना, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उनकी बात को ये झुठला रही हैं। साथ में क्या कह रही हैं, और अच्छा होगा उसके ऊपर आप थोड़ा सा कपूर भी डाल दें। कहा क्या प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही? नहीं कही ना प्रधानमंत्री जी ने। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बात नहीं करी तो फिर इस बात का बतंगड़ बनाने की क्या आवश्यकता। अब ये सुनिए क्या कहा है, सुनिए, सरसों के तेल का दिया बुझने के आधा घंटा बाद तक वह घी का दिया बुझने की चार घंटे बाद तक अपना असर दिखाता है ना, हम भी जानते हैं कि असर दिखाता, तभी तो हम अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं, मोमबत्ती वगैरह हम लोग कम जलाते हैं जब पूजा पाठ होती है। लेकिन आप मुझे बताइए अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मोमबत्ती जला सकते तो मोमबत्ती क्यों नहीं जला सकते, मजाक करना अपनी जगह है, मगर मोमबत्ती उन्होंने कहा जलाने के लिए तो आप जला सकते हैं। अब देखिए ये व्यक्ति क्या कह रहे हैं, दिए जलाने से घर व आसपास के वातावरण में हवा में मौजूद दूषित कण जिनका हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है वह नष्ट हो जाता है। बुढ़बक
ये भी बता दे कि इससे कोरोना वायरस मर जाएगा क्या? कुछ भी बोल के लोगों को गुमराह करने की आदत ही है, बीमारी है भाई, बोला जाएगा कुछ, आप करेंगे कुछ और। फिर लिखा है, और घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है, दिया जलाना कोई टोटका नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने अगर कहा है कि 5 तारीख को 9:09 के लिए दिया जलाना है तो इसका एक कारण है। अब सुन लीजिए, मजाक उड़ाना अलग बात, मगर ये कारण निकालने वाले और विश्वास मतलब अंधविश्वास में विश्वास बढ़ाने वाले ऐसे वाले आ गए। क्या कहते हैं ये सुनिएगा, इस दिन आमद एकादशी है, इस दिन आमद एकादशी है, जब मेघनाद का वध नहीं हो पा रहा था तो इसी आमद एकादशी को भगवान राम ने घी का दीपक जलाकर ऊर्जा पुंज का निर्माण किया था और मेघनाद का वध किया था। ये एकादशी विजय की प्रतीक है, इसलिए आप सभी दीपक जलाएं, टॉर्च, मोमबत्ती, मोबाइल, जो भी सुविधा आपके पास है वो जलाएं और ऊर्जा पुंज का निर्माण करें। ये कह रहे हैं करें, और वो जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो कह रही हैं कि टॉर्च और मोबाइल का मत इस्तेमाल करें। कोई भी कुछ भी बोल रहा है, मैं तो केवल आपको ये कहूंगी, आप थोड़ा समझदारी से काम करिएगा, ये देखिएगा कि ऐसी जगह पे जाके दिया जलाएं और कोशिश करें, क्योंकि इस वक्त सभी कोई घर में रह रहे हैं और हमारे प्रशासन शासन बहुत काम पे लगा हुआ है, तो जो भी चीज जलाए ध्यान से जलाए, आग की बात है। और अगर टॉर्च है, मोबाइल फोन है, बच्चे है घर में, तो टॉर्च और मोबाइल फोन ही ऑन करें, बेहतर होगा। घर में अगरबत्ती, मोमबत्ती ये अगर है तो आप इसे जहां पे भगवान का स्थान होता है वहां पे जला लें, इस प्रकार से मत करें। और देखिए, किसी ने ये भी लिखा, नाउ पीपल हैव स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ आवर पीएम, लाइक नहीं किया, कुछ नहीं करता, कभी वो कहते शंख और घंटी बजाओ, कभी कहते लाइट जलाओ, लगता सिरफिरा दिमाग है। लेकिन अब देख लो जी, मतलब कितनी दिल पे क्यों ले रहे भैया, दिल पे मत लो, वो हमारे भी प्रधानमंत्री है और हम सब अगर अपने घर में बैठे हुए हैं तो वो इसीलिए बैठे हुए हैं क्योंकि हम जिस कुर्सी पे हमने उन्हें बैठाया है वो केवल आपके प्रधानमंत्री नहीं है भक्तों, वे हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, और क्योंकि हमने उन्हें वोट नहीं दिया इसलिए वे हमारे प्रधानमंत्री ज्यादा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें हमें अपना बनाना है, इसलिए हम उनके ज्यादा प्रधान हैं, और हम उनसे सवाल इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम उनके क्यों हो, हम उनकी तरफ क्यों जाएं, उनका समर्थन क्यों करें। इसलिए आप लोग ऐसी बेकार की बातें बिल्कुल ना करें। देखिए कि क्या कहा इन्होंने, स्पीच पीएम्स एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी भी निकाल दी, न्यूमरोलॉजी भी निकाल दी, एस्ट्रोलॉजी तक तो ठीक था। अब सुनिए, स्पीच 9 मिनट, आए 9 बजे, रात के 9 बजे 9 मिनट के लिए, और 5 तारीख तक, अभी 9 days विल बी लेफ्ट ऑन 5th, 9 दिन बचेंगे लॉकडाउन के खत्म होने को, 9 days ऑफ लॉकडाउन विल बी ओवर, तब तक 9 दिन खत्म हो चुके होंगे, और कंक्लूजन 5 अप्रैल, 5 + 4 = 9, 9 PM, 9 मिनट, 9 नंबर जो है वो मंगल का है, मंगल ग्रह जो है वो लाइट, आग, फायर, अग्नि को सिग्निफाई करता है, तो मोदी जी जो है एनर्जी प्लैनेट को एक्टिवेट कर रहे हैं, एक्टिवेट मतलब ना वो मार्स जो है उसको एक्टिवेट कर दे रहे हैं, हम सब जब दिए जलाएंगे तो मार्स जो है एक्टिवेट हो जाएगा, वहाँ आग लग जाएगी, वहाँ पे जब आग लगेगी भक्तों तो यहाँ क्या होगा, यहाँ कृपा, उसको ध्यान से सुनिए, जिन जिन घरों में बच्चे हैं उन उन घरों में कृपा करके मोबाइल का फोन टॉर्च या टॉर्च जला लीजिएगा, इससे ज़्यादा कुछ मत करिएगा, मशाल लेकर सड़कों पे बिल्कुल मत घूमिएगा, आपको मैं बता रही हूँ ऐसा मत करिएगा। एक और बता दूँ जाने के पहले, 5 अप्रैल वामन द्वादशी, ऑन दैट डे, उस दिन धरती को सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी मिलती है, और ये जो है जितनी जो जो बीमारियां करने वाले वायरस हैं उनको ये सशक्त कर देते हैं। वायरस जो है एक ईविल एंटिटी है, ईविल समझते हैं आप, बहुत ही ईविल है, नकारात्मक खराब चीज़ है,
और ये अंधकार में उपजता है, और आदि योग पुराण के हिसाब से एक तरीका है इन चीजों को मारने का, इनके ऊपर रोशनी को फोकस कर दो, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास को के थ्रू हम सूरज की रोशनी को किसी चीज के ऊपर फोकस करते हैं, उसी तरह से प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा है कि अपने घर की लाइटों को बंद कर दो, क्योंकि वो लाइट बहुत ब्राइट होती है, और फोकस करो लाइट, किसी छोटी सी लाइट को फोकस करो अपने सपोर्ट को दिखाने। कब कहा प्रधानमंत्री जी ने? आप अपना एनालिसिस अपने पास रखो, समझ में आया? वो करो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा। प्रधानमंत्री जी ने आज बार बार कहा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, मतलब अपने घर में रखना, घर के बाहर मत जाना, पटाखे मत छोड़ना, भाई जो जानवर आराम से रह रहे हैं उन्हें आराम से रहने देना, गेट पे जाना, बालकनी पे जाना, और वहीं पर आप अपना टॉर्च, मोबाइल फोन का टॉर्च या दिया या मोमबत्ती जला लेना, ये ना भी हो तो अगरबत्ती जला लेना, अगर बत्ती हो गई ना बत्ती जला लेना, अपने दिमाग की बत्ती भी जला के रखना, कोई और चीज मत करना, और इतना मत लड़ो जैसे आप लोग लड़ रहे हैं। किसी ने लिखा मैडम श्री रामचरितमानस में एक चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये कितनी सुंदर बात है ना कि जिसकी जैसी भावना है भगवान को वो वैसे ही देखता है, भगवान उसे वैसे ही दिखते हैं। तो भक्ति तो ठीक है, अंध भक्ति ठीक नहीं है, अंधविश्वास को बढ़ावा देना बंद करिए। प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि आप अंधविश्वासी बन जाइए, उनकी भक्ति करिए, उनकी पूजा करिए। मैं उनका मान सम्मान इसलिए करती हूँ क्योंकि वे मेरे प्रधानमंत्री हैं, मैं उनके साथ खड़ी हूँ, उन्होंने अगर मुझे कुछ कहा है तो वो मैं करूँगी, और वो ये है कि मैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करूँगी, मैं अपने घर से बाहर नहीं जाऊँगी, और अपनी सरकार का समर्थन करते हुए उनके साथ उनके कामों में किस प्रकार से योगदान दूंगी, अपने आसपास के लोगों की मदद करके, अपने देश में अनुशासन बनाए रखकर, और उन सभी लोगों को भी कहूंगी जो हमारे डॉक्टरों के ऊपर कोई थूक रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई बदतमीजी कर रहा है, तो बेशर्मो कुछ तो शर्म करो, पूरी सरकार लगी हुई है तुम्हारी जान बचाने में, और तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो और अपने साथ साथ बाकी लोगों की भी बेइज्जती कर रहे हो। इसलिए काम की बात तो भक्तों को मोदी जी को भी नहीं सुनाई नहीं आती, अरे उनको तो पता ही नहीं चला जी कि वो कह क्या रहे हैं, उन्हें ये अगर समझ में आता बिना तस्वीर के मत बक, पूरन सिंह अपनी तस्वीर लगा ले आईटी सेल में, अपना स्क्रीनशॉट भेज के गधे के बच्चे अपने पैसे मंगवा ले, समझा? उल्लू आगे नहीं बोल रही, अपने आप जोड़ लेना, समझ गया क्या बोल रही हूँ? खैर, तो दोस्तों आप सब अपने प्रधानमंत्री जी का मान यदि करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग जो आज उन्होंने स्पेशली एम्फसाइज किया उसका अनुपालन करिएगा। अगर आप उनका सचमुच में मान करते हैं तो आपको घर से बाहर नहीं जाना, पटाखे नहीं छोड़ना, शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल जलाना है। कैंडल जलाने में शोर करने को नहीं कहा उन्होंने, थाली ताली पीट ली आपने जब उन्होंने कहा था, अगर आज वो कुछ कह रहे हैं आप कर लीजिए वो, अगर आप करना चाहते हैं, उन्होंने कहा है उनका मान करते हैं, पर आप दूसरों पर जबरदस्ती मत करिएगा, अपना करिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। दोबारा मुलाकात होगी, और भक्तों को बहुत आग लगाई है आज, लगी रहे, ऐसा ना हो इस मंगल ग्रह की आग में जल के भस्म हो जाए आप, क्योंकि परेशान तो बहुत हो रहे हैं सुनकर मेरी बात, मगर ये मंगल ग्रह को एक्टिवेट कर रहे हैं मेरे प्रधानमंत्री, इसमें केवल वायरसेस जल के मरने वाले हैं। इसलिए सोच लीजिए कि अंध भक्ति में आप कहीं बन तो नहीं रहे। दोबारा मुलाकात होगी, नमस्कार।